चलिए बेटा, सो लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग अबाउट लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल एज वेल एज इन थ्री वेरिएबल। तो इससे रिलेटेड मैंने आपको होमवर्क दिया था। आपको तीन क्वेश्चन दिए गए थे। हाउ मेनी ऑफ यू एबल टू डू इट? जिनके तीनों हो गए हाथ खड़ा करिए। रूपाली, वगेश, इरशाद, आर्या, याशा, रूपा, सुहेल, कृष्णा, मोहित, विनीत, अपूर्वा, हैव डन इट, वेरी गुड। अब देखो, अपनी तरफ से जो मैंने आपको एक टेक्निक सिखाई थी, उसके बाद एक क्वेश्चन मैं और आपको बताता हूँ। एक नॉर्मल डिस्कशन से करते हैं कि अगर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखो तो इसमें एक फायदा हो रहा है आपको। यहाँ पे इसके अंदर फायदा क्या हो रहा है हमें, इसके अंदर वाई नहीं है। अगर इसके अंदर वाई नहीं है तो हम एक काम कर सकते हैं। यहाँ पे वन और टू को सॉल्व करके एक ऐसी इक्वेशन तैयार कर लें जिसमें वाई नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस हिस्से को कैंसिल करने के लिए डेफिनेटली यहाँ के और यहाँ के कोफिशिएंट्स को आपको सेम करना पड़ेगा। तो हम वन को थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो वी विल गेट ओके। आप ना जैसे मैं कैलकुलेशन करता हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप वेरीफाई कर लेना, कोई गलती ना हो, ठीक है? और उसके बाद अगर कहीं बीच में आपको लगती है तो मुझे मैसेज करके बता देना है, सो दैट आगे टाइम वेस्ट ना हो। अब आ जाओ, सेकंड मैंने उतार ली, 2x माइनस 3y प्लस जेड माइनस 13। सो इनको सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, सो दिस गेट कैंसल्ड, ये माइनस 8x हो गया, दिस इज माइनस 10z एंड दिस बिकम्स 22, ओके? So after this, make it equation number 4. इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अब हम यूज करना चाहेंगे अब देखो, अब आप इस एक्स और जेड को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। बोलो कौन कौन कर लेगा इसको? ये तो इक्वेशन थ्री ही है हमारी, थ्री और फोर सभी से सॉल्व होके एक्स और जेड आ जाएगा। सो जस्ट वी कैन डू मल्टीप्लाई विद एट, सॉरी नॉट विद एट, एट तो बनाना है हमें, मल्टीप्लाई विद फोर, सो इसको यूज करिए। अब इनको हमें क्या करना चाहिए, एडअप करना चाहिए, एडअप होके कैंसिल हो गए, और इस एडअप में ये टू
टू माइनस 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 कैंसल, सो जेड कमिंग एज वन. सो दिस जेड आंसर वेरीफाइज, मैच हो गया हमारा. यहां से फिर आपका एक्स आ जाएगा. एक्स निकालने के लिए तो आप किसी एक इक्वेशन की हेल्प ले लो. आई एम टेकिंग थ्री, सो टू एक्स माइनस थ्री जेड को डाल के कितना आठ बचा. सो एक्स इज कमिंग एज माइनस फोर, ये भी सही हो रहा है. और x और z को आप किस में डालना चाहेंगे, वन और टू में. सो पुट x z इन वन, सो देयरफॉर माइनस टू x वैल्यू है हमारे पास, माइनस फोर और माइनस वाई माइनस थ्री जेड वैल्यू इज वन थ्री. सो इसको सॉल्व कर लेते हैं. माइनस वाई माइनस थ्री सो वी हैव फाइव थ्री y is 2. So this is the approach you can also try. ठीक है, बाकियों ने काफी ने ऐसे. अच्छा, इसी वाली टेक्निक से कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को किया है, वो बच्चे हाथ खड़ा करें जैसे मैंने किया. ओके, सो मैनी ऑफ यू. तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं आगे. तो आज की क्लास की क्या खासियत रहेगी, we will learn solving three equations in a different way. Solving three equations of three variables with the help of डिटर्मिनेंट मेथड. आप में से किसी ने ये डिटर्मिनेंट मेथड के बारे में सुना है अभी तक? कुछ लोगों ने सुना है. सो फर्स्ट वी विल नो व्हाट डू यू मीन बाय डिटर्मिनेंट. बेटा डिटर्मिनेंट एक स्ट्रक्चर है, आप इसके बारे में डिटेल में 12th मैथ्स में पढ़ेंगे. हमारे लिए ये जानना जरूरी है
if I write something A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, इसे इस सिंबल को आप कह सकते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये सिंबल का मीनिंग बताया मैंने डिटर्मिनेंट। सो द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस एक्सप्रेशन हाउ वी कैन सॉल्व इट, पहले तो वो सीखना है। और ये डिटर्मिनेंट आपको हेल्प करेगा थ्री इक्वेशंस को सीधा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो पहले आप इसको समझिए डिटर्मिनेंट में क्या है। अच्छा, कुछ कुछ इसका हिस्सा आपको पहले से थोड़ा सा आपने ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में इससे मिलता जुलता आपने सीखा हुआ है, वो था इस तरीके से। इनका यूज में आने वाला है, ध्यान से सुनना। A1 मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, जब आप A1 को यहां लिखते हो तब आपने इसकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वैल्यूज को छोड़ देना है, इसको और इसको छोड़ दीजिए। जब आप इसको और इसको छोड़ देंगे तो बचेगा ये, इनके बीच में लगाना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आया समझ में? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब लगाओगे तो ये क्या बनेगा, B2 C3 माइनस B3 C2। बोलो किसको आ गया ये समझ में? ठीक है, सेकेंड टाइम हमने क्या करना है, ये इस वाले को हमने लिखना है माइनस में। और उसको लिखने के बाद उसके नीचे का और हॉरिजॉन्टल यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को हमने छोड़ देना है, तो बचेगा क्या फिर? अगर आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल छोड़ते हैं तो क्या बचने वाला है, विल यू एग्री? आपके पास ये बचने वाला है A2 बाई C3 और C2 और C3, यानी इनके बीच में जब आप क्रॉस करोगे तो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए A2 C3 माइनस A3 C2। अब बारी लास्ट में जो है वो किसकी है, C1 की। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये प्लस माइनस कैसे आएगा, फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव। देखो डिटर्मिनेंट एक टेक्निक है, इसलिए ये टेक्निक आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, कि इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है। सो नाउ व्हाट विल बी द C1 वैल्यू, जब C1 की बारी आएगी बेटा तो आपको C1 के नीचे का हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपको छोड़ना पड़ेगा, बाकी पोर्शन जो बच रहा है उसमें आप क्रॉस लगा सकते हो। कौन लगा लेगा? ओके, तो ये आना चाहिए A2 B3 A2 B3 माइनस A3 B2। सो आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल जिसको आप सॉल्व करिए ताकि हमें पता चले कि सभी को ये आ गया करना।
आप लोग इसको जरा सॉल्व करिए। लो इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। ओके, दो आंसर आए हैं मेरे पास। ओके, डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ चुके हैं। बट जो करेक्ट आंसर है दैट इज गिवन बाय रूपा, रूपाली, सुहेल, दिव्यांशी, वागेश, विनीत एंड तियाशा। सो देयर आंसर्स आर करेक्ट। और ये आंसर आ रहा है बेटा -2। तो एक बार चेक करेंगे आपने कहाँ गलती की है जिनसे नहीं आया। तो प्लस माइनस प्लस लिख लो ताकि आपको याद रहे। +2 ब्रैकेट माइनस, याद रखना ये माइनस तो आएगा ही, ये माइनस मैंने यहां लगा दिया और ये जो पोजीशन है वो यहां आएगी, फिर ब्रैकेट, फिर +3। सबसे पहले मैंने इनको लिख लिया, पहला स्टेप। यू कैन सी हाउ आई हैव रिटन देम। ठीक है, अब इसके बाद जब इसकी बारी आ गई तो आपको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल छोड़ देना है। तो ये और ये छोड़ते हो तो ये बचेगा। सो 1 × 1 विद -× दिस मल्टीप्लीकेशन। सो ये हो गया, इसको और इसको हम छोड़ देते हैं। सो ये सो 1 × 1 -1 × 1। ठीक है बेटा, हाँ जी। तो नेक्स्ट क्या आएगा, -1 के केस में ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को छोड़ो तो आपके पास 1 × 1, बीच में माइनस, और 1 × 1। लास्ट इज द केस ऑफ 3। तो 3 का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पोजीशन छोड़ दें तो क्या बचेगा, 1 × -1, 1 × -1 मल्टीप्लाइड 1 × 1। तो देखो इट्स बेटर कि आप ना सबसे पहले ये लिख लें, इससे आपकी गलती होने से बचोगे। मोस्टली ऑफ यू डूइंग द सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक ऐसी चीज है जो किसी से हो सकती है, ठीक है। तो इससे बचने के बस यही तरीके हैं कि थोड़ा सा स्टेप्स को आप केयरफुल होके लिखो और थोड़ी सी टेक्निक इस्तेमाल करो। जैसे मैंने क्या कोशिश की है, इसको डायरेक्ट सॉल्व ना करके उसको ऐसे एक स्टेप लिखने की। सो टू नाउ वी हैव 1 माइनस, इज -1, +1, 1 - 1, 3, दिस इज -1 - 1। ठीक है, सो ये कितना हो गया, 1 + 1, दिस इज 2, दिस पोर्शन इज 0, दिस इज 3 - 2। सो 4 - 6, आंसर इज -2। किस किस को समझ में आ गया बेटा।
ओके सो मोस्टली ऑफ यू अंडरस्टूड दिस. अब हम डिटरमिनेंट की हेल्प लेंगे फॉर सॉल्विंग थ्री इक्वेशंस ऑफ थ्री वेरिएबल. तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक जनरल केस आपको दिखाता हूं करके. इसको क्रैमर्स रूल भी कहते हैं जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं. टू सॉल्व थ्री इक्वेशंस विद थ्री वेरिएबल्स. सो कंसीडर three equations a1x b1y c1z a2x b2y c2z d2 देखो यही केस आपको मिलने वाला है इस तरीके से. तो इसमें आपने बेटा जो डिटरमिनेंट है वो आपको पता है. इस केस में डिटरमिनेंट आप कैसे बनाएंगे, आप बनाएंगे इनसे a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3. So first determinant you make a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3. Second determinant you will make as delta x. इसमें आपको क्या करना है कि आप ये देखो ये x के जो coefficient है वो हमने यहां लगाए थे. तो x वाली पोजीशन में आपको d1, d2, d3 को लगा देना है. तो हाउ यू एबल टू मेक डिटरमिनेंट x d1, d2, d3, बाकी पोजीशंस वैसे रहेंगी. तो किस किस को यहां तक समझ में आ गया बेटा ये डेल्टा डिटरमिनेंट x बनाना आपको आ गया. रेज योर हैंड. ठीक है. अब ऐसे ही यू विल गेट द आइडिया कि डिटरमिनेंट वाई कैसे बनेगा. तो डिटरमिनेंट वाई बनाने के लिए आपको जो वाई वाली लोकेशन है यानी यहां पर अब d1 d2 d3 को यहां प्लेस करना है. यानी कि ये लोकेशन और ये लोकेशन फिक्स रहेगी, सिर्फ चेंज वाई लोकेशन पे आएगा. So it is A1, A2, A3, यहाँ पे D1, D2, D3 और C1, C2, C3 ऐसी रहेगा. ठीक है, समझ गए. सुहेल अभी आगे बताएंगे वो क्या देगी. अभी पहले ये समझो डिटरमिनेंट x, डिटरमिनेंट y और डिटरमिनेंट z कैसे बनाना है. तो आप z समझ गए हैं, z कैसे बनेगा, कौन कौन डिटरमिनेंट z अपने आप बना सकता है. ओके, सो मैनी ऑफ यू, गुड, आप बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हैं. सो a1, a2, a3, b1, b2, b3. सो डिटरमिनेंट जेड हमने बना दिया d1, d2 और d3. ठीक है.
तो यहां तक हम सभी इंश्योर हो चुके हैं। अब देखो ये बनने के बाद आप सभी को सिर्फ ये बनाना ही नहीं आता, आप सभी को इन डिटरमिनेंट को सॉल्व करना भी आता है। अभी जो थोड़ी देर पहले हमने सीखा वो यही तो सीखा ना कि कोई भी डिटरमिनेंट है वो कैसे सॉल्व होता है। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री यू ऑल एबल टू सॉल्व दीज डिटरमिनेंट्स? ठीक है, तो अब सुनिए, जैसे ही आपके पास ये वैल्यू आ जाएंगी, अब अगर आपको x चाहिए, सपोज यू रिक्वायर्ड x, आफ्टर कैलकुलेटिंग all determinant values we can find x, y, z variables values using Cramer's rule और इस रूल के मुताबिक अगर आपको बेटा x चाहिए देन यू नीड टू हैव ए रेशियो ऑफ डिटरमिनेंट x ओवर द डिटरमिनेंट। अगर आपको y चाहिए डिटरमिनेंट y ओवर द डिटरमिनेंट। आई मेक 1 2 3, ठीक के बाद 4 5 6 and 7 8 9, एंड 10। बोलिए किस किस को समझ में आ गया ये पूरा? ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर, द क्रेमर्स रूल इज ओनली एप्लीकेबल if determinant is not equal to zero। याद रखिएगा ये जो मेथड है ये तभी सक्सेसफुल है जब डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो ना आए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है सबने। ठीक है, एवरीवन गॉट द पॉइंट? अब इसका एक एग्जांपल हम कर लेते हैं जल्दी से, और वही एग्जांपल करते हैं जिसका डिटरमिनेंट हमें मालूम है। जैसे ही डिटरमिनेंट हमें मालूम था ना, इसकी एग्जांपल ले रहे हैं वही। Using Cramer's rule. बेटा इसका जो फर्स्ट डिटरमिनेंट है
2 1 1 -1 1 -1 3 1 1। थोड़ी देर पहले हमने इसी का डेल्टा निकाला था, अगर आप ध्यान दो तो देखिए, चेक करिए वही वैल्यूज है ना, 2 1 1 -1 1 -1 3 1 1। तो इसका डेल्टा कितना आया है, -2। इसका -2 आया है, तो इसका मतलब कि डेफिनेटली इस पे क्रेमर्स रूल एप्लीकेबल हो सकता है। तो अब हम इसको यूज कर लेंगे, दिस इज -2। अब आपको और क्या चाहिए, आपको चाहिए डेल्टा एक्स, यानी कि एक्स वाली लोकेशन पे, ये एक्स लोकेशन है रिमेंबर, तो एक्स वाली लोकेशन पे किन को फिट करना है, इसे करना है 9, 6 और 2 को, बाकी लोकेशन सेम रहेंगी। ठीक है बेटा, फिर डेल्टा वाई, फिर आपको डेल्टा जेड सेट करना है, ठीक है बेटा। तो आप में से काफियों ने डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड को निकाल, अच्छा हाँ एक चीज और बता दूं, ये जो मैं डेल्टा डेल्टा बोल रहा हूँ ना, इस सिंबल का नाम है डेल्टा, ठीक है ना, सिंबल को डेल्टा बोलते हैं। तो आपकी वैल्यूज को मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, आपका जो डेल्टा एक्स है वो -2 सही आ रहा है इरशाद का, make it 5, और डेल्टा वाई आपका आएगा -4, ये भी सही है इरशाद आपका, और डेल्टा जेड वैल्यू -6 आ रही है, ये भी बिल्कुल सही है। सो इरशाद ने वैल्यूज बताई हैं भाई, और ये सही है वैल्यूज, और जैसे ही आपकी ये वैल्यूज निकल जाएं तो आप देखिए कि आपको आगे का मालूम है, देयरफॉर क्या होगा, एक्स इज डेल्टा एक्स ओवर दी डेल्टा, सो डेल्टा एक्स इज -2, और डेल्टा कितना था आपका, वो भी -2, सो आंसर कितना आ गया, 1। सो वी हैव आवर फर्स्ट आंसर, वाई है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा, डेल्टा आई है -4 over delta is -2, solving this we get 2, and the next answer is z -6 over -2, so answer is 3, so answer is 1, 2 and 3. How many of you understood this method? ठीक है बेटा, गुड। सो नाउ दिस इज द टुडेज क्लास, समझिए कि लीनियर इक्वेशन वाला काम हमारा खत्म हो चुका है, लीनियर इक्वेशन हम सीख चुके हैं जितना मुझे सिखाना है आपको फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी ये सिचुएशंस आपको मिल सकती हैं। अब इन सिचुएशन में आपको एट ए टाइम जो दिमाग लगे, जो हमने पहले मेथड समझा था वो भी सही है, पर अगर उससे नहीं हो रहा है एट ए टाइम, आपका दिमाग सपोज नहीं चल रहा है, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो,
ठीक है, बट सावधानी से इसको करना। बट मेरी राय ये है कि पहले जो पुराना मेथड हमने सीखा पहले उसी को ट्राई करना, ठीक है, क्लियर है। तो आज का होमवर्क ये रहेगा, जो मैंने कल जो होमवर्क दिया था उन्हीं क्वेश्चंस को आपको इस मेथड से वेरीफाई करना है उनका आंसर्स, ओके, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही।